दोस्तों, जब मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया तो विराट कोहली का कुछ ऐसा रिएक्शन आया जिसे देखकर हर कोई वाहवाही कर रहा है। आखिर विराट कोहली का ऐसा क्या रिएक्शन था, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के हाथों से मिला अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी के लिए काफी यादगार रहा, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर बताया कि इनकी जो जिंदगी का सबसे मेन जो लम्हा है वो यही था। दोस्तों, इंडिया टीम में और भी बहुत अच्छे प्लेयर है जिनको अभी तक अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन मोहम्मद शमी को क्यों मिला? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोहम्मद शमी को इसलिए मिला, इस साल हुए आईसीसी वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने अपने गेंदबाजी से दिखा दिया और सारे बल्लेबाजों को डरा कर रख दिया था और बहुत ही शानदार तरह से प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और साथ ही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था और इसके वजह से उनका नाम यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार में आ गया था और उनको ये अवार्ड मिला गया, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। दोस्तों, वैसे मोहम्मद शमी लगातार कितने सालों से बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे चले जाते हैं, और लेकिन दोस्तों, बीते कुछ सालों में मोहम्मद शमी ने जिस तरह से भी गेंदबाजी करना शुरू किया, विश्व के तमाम बड़े गेंदबाजों को भी पीछा छोड़ दिया है और अपनी गेंदबाजी से एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ ही मोहम्मद शमी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है वर्ल्ड कप में कि आज तक कोई भी गेंदबाज ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना सका है। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बना दिया है, जो कि आज तक किसी गेंदबाज ने ऐसा कारनामा नहीं किया था। हालांकि विराट कोहली का रिएक्शन कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा, वेल डन लाला, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा आपने किया, इसके लिए आपको ये अवार्ड मिलना ही चाहिए था। इसके बाद मोहम्मद शमी ने भी विराट कोहली को थैंक यू कहा और फिर आगे क्या हुआ वो आप जाने। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि विराट कोहली के कमेंट के बाद इंडिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी कमेंट करने लगे और विराट कोहली की तरह सारे। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को अच्छा गेंदबाज मानते हो या फिर उनका फैन हो तो प्लीज वीडियो में उनका नाम कमेंट जरूर करना और एक लाइक जरूर करना, वीडियो को एक शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।